डीसी रियासी के कटरा शहर में जो है तमाकू खाना और बेचना जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही जानकारी सुन पा रहे, तमाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी किसी प्रकार का भी जो है अब जो है इनका जो सेवन जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि कटरा शहर जहाँ पे ऑलरेडी जो है शराब और मीट को जो बैन कर दिया गया था, उसके बाद चलते जो है लगातार दुनिया भर से आने वाले जितने भी टूरिस्ट श्रद्धालुओं के लिए जो है कटरा धर्मनगरी में जो अब जाकर जो है कहीं ना कहीं जो सिगरेट तंबाकू बीड़ी जो है वो बैन कर दिया गया। बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष बल मौजूद जी ने कहा है कि साफ तौर पर लफ्जों में कहा है कि अब जो कटरा में जो है तंबाकू सिगरेट बीड़ी जो लेना खरीदना और इस्तेमाल करना उसका जो है बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई इस तरीके का पाया जाता है तो उस पर कड़े तौर पर कार्रवाई की जाएगी। 1 जून से यानी कि आज की तारीख से जो है ये जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लगातार लोगों की शिकायतें आ रही कटरा में जो है गुटखा सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो शुरू हो गया था। एक तरफ से धर्मनगरी के नाम पर जो है लोग बड़ी दूर से आस्थाएं लेकर पहुंचते थे, उसके चलते अब जो है कटरा शहर में जो है ये पाबंदी जो है लगा दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सेक्शन 144 के तहत हमने माता के आधार शिविर कटरा स्टार्टिंग फ्रॉम नुमाई चेक पोस्ट पैंथल चेक पोस्ट ताराकोट मार्ग जहाँ से शुरू होता है एन रूट पूरा जो है माता के भवन तक जो भी रास्ते आते हैं वहाँ पे तंबाकू की सेल तंबाकू की कंजम्पशन और तंबाकू के स्टॉक के ऊपर बैन लगाया है। और ये इन कंटिन्यूशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैन ऑन शराब और मीट जो है ताकि पवित्रता यात्रा की और यात्रियों का जो पवित्र मन जिससे आते हैं और जो बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं किसी प्रकार की ठेस ना लगे उसके लिए लगाया गया है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है वर्ल्ड नो टोबैको डे से कटरा को और पूरे रास्ते को पूरे ट्रैक को पूरे एरिया को तंबाकू रहित करने का। सर जिन लोगों उनको इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा दे शुड गो बैक रिटर्न द स्टॉक्स। सिगरेट का स्टॉक तो हर कोई ले जाता है या फिर वो उस एरिया से बाहर जाएँ जहाँ पर बैन नहीं है।